बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो तमाम दोस्तों को खुश आमदें। सवाल सिर्फ ये आता है, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि वकालत प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, करने वाला प्रोफेशन है। किताबें अगर आप वकालत के अंदर गिननी शुरू कर दें तो यहाँ पे बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी और किताबें दर किताबें दर किताबें हैं सारी की सारी। मगर जहाँ पे अभी ट्रायल की बात कर रहे थे हमारे से पहले जो दोस्त बात करके गए हैं, वो ये कह के गए हैं ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपके सामने एक हाई कोर्ट का, तो खैर सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और मेरी रोज़ी रोटी जिससे कनेक्टेड है 60%, वो जिस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे ट्रायल से नहीं। ट्रायल के भी मैं करता हूँ, अभी मैं सिविल कोर्ट के अंदर काम करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे बात की गई कि जी लोग कोशिश करते हैं सारे मुकदमे हाई कोर्ट में ले जाएं। हाई कोर्ट में वो चीज़ इसलिए आप लेके आते हैं कि यहाँ से ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। सो आज का टॉपिक जो है प्रैक्टिकल अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कहने को तो ये हमारी बाइबल है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कानून है प्रैक्टिकल, मगर एक लेवल के ऊपर इसका क्या फ़ायदा? इसमें जो चीज़ लिखी हुई है, आमिर वगैरह आते हैं वो कहते हैं कागज़ का टुकड़ा है। इसका असल में आके आमिर आके सबसे पहले क्या करते हैं, जुडिशरी को आपको रोकने की कोशिश करते हैं। LFO आ जाता है, PCO आ जाता है, ये सारे का सारा क्यों? क्योंकि जुडिशरी ही तरीका है जिसके ज़रिए इसमें लिखी हुई जो सारी की सारी चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वकालत आप इसके अंदर अच्छे अच्छे, कोई दोस्त बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं? पहले पार्ट के अंदर क्या आता है, पहले हिस्से में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, ये आपके हकूक हैं, ये है इस तरीके से दूसरा होगा। दूसरे में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी लिखे हुए हैं, फिर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट लिखे हुए हैं, जुडिशरी होगी, MNA होंगे, MP होंगे, कानून ऐसा बनाया जाएगा, क्या फ़ायदा? फिर मैं ये कह रहा हूँ कागज़ के टुकड़े हैं अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेमेडी ना दी हो, वायलेशन अगर होगी। और वकील, वंस अगेन वकील के पास मामला बंदा तब आता है जब किसी चीज़ की वायलेशन हो रही हो। ये राइट्स, अगली स्लाइड अगर आप देख लें, राइट्स रिक्वायरमेंट्स और रेमेडीज़ वाली। मैं आप तमाम दोस्तों से पूछना चाहूँगा, आपके नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल बता दें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो पता है एक आर्टिकल जो नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पर, राइट टू लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी तो फिर भी बरकरार रहेगी, उसके अंदर इम्पॉर्टेंस क्या? राइट ऑफ लाइफ अगर कागज़ के अंदर लिखा हुआ है, और जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेरे नज़दीक आर्टिकल 199 है। आपको कोई राइट टू लाइफ आपकी ख़त्म कर ले या आपसे सलब कर ले या कोई राइट आपसे छीन ले, जब तक कोर्ट में जाकर दादरसी आपकी नहीं होती, आपको उठा के ले जाता है हेबियस कॉर्पस। अगर आपके पास रेमेडी ही नहीं अवेलेबल, और बिलखसूस मैं कह रहा हूँ कि वकील वकालत इज़ प्रैक्टिकल, हाँ हो गई कोई गलत चीज़, कोई हक आपको नहीं दिया जा रहा, हासिल कैसे करवाना है? इसीलिए मैंने शुरू में तमाम दोस्तों से पूछा कि आप में हाई कोर्ट वाले कितने दोस्त हैं, वो तो सारे के सारे ये चीज़ समझते होंगे, लेकिन जल्द ही आप दोस्तों ने ख़ासतौर पर जो नीचे लाइसेंस लेके आए हैं, आपने 2 साल के बाद आपको हाई कोर्ट के लाइसेंस की आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा चूँकि ट्रायल का सिस्टम एक तरीके से टूटा हुआ है और वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होती, तो जैसे कि मेरे से पहले दोस्त ने कहा, हर मामला हम रिट में लाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात ये करेंगे कि रिट के अंदर किस तरीके से मामलात लाए जा सकते हैं और किस तरीके से आप मुकदमा बना सकते हैं कि आप अपनी रिटें जीत सकें। ज़िंदगी की पहली जो रिट मैंने की वो मैंने हारी आर्टिकल 212 के अंदर। एजाज चौधरी साहब वहाँ पे उस ज़माने में होते थे, मैं खड़ा हुआ, उन्होंने कहा आर्टिकल 212 पढ़ा है? मैंने कहा जी पढ़ा है। ओके ठीक है, मैंने कहा जी मेरा केस वगैरह, उन्होंने कहा आर्टिकल 212 सुप्रीम कोर्ट से रिमांड होके केस आया था, लेकिन आर्टिकल 212 जिसके अंदर सर्विस मामलात को टच नहीं किया जा सकता, वो बार मौजूद है, उसकी वहाँ पर बात हो रही थी। आज देखिए मामला क्या है, वकील के सामने कानून आता है। आप में से कई दोस्तों ने रिटें वगैरह भी नहीं करनी, लेकिन एक गुर और एक तरीका और एक अंदाज़ आज आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा कि जिसको आपने हर मुकदमे में, हर कानून में, हर दफ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू करना है अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर,
और वो ये है, और जो गुर हम आज जिसके बारे में बात करेंगे वो ये है कि कानून पढ़ते कैसे हैं। और कानून पढ़ने के बाद, कानून को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जी रीड कर दिया, ये कानून आपको क्या बता रहा है। ये अगर आप स्किल डेवलप कर लेंगे तो ये कानून आपको ये भी बता रहा होता है कि आपने अपनी पिटीशन या प्लेंट में क्या लिखना है। ये आपको ये भी बता रहा होता है कि आपकी पिटीशन किन ग्राउंड्स के अंदर खारिज हो सकती है। ये आपको ये भी बता रहा होता है कि किन ग्राउंड्स के अंदर किस अंदाज से आप जज से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। ये एक तरीके से कानून तो है, मगर ये एक रेसिपी बुक भी है, कुक बुक भी कह सकते हैं कि इसके चंद अनासर आप पिटीशन में डालेंगे तो आपको मिलेगा जो आपका रिलीफ बनता है। वो कैसे आपने हासिल करना है, अगर आपने वो जो एलिमेंट्स हैं या रेसिपी के जो अनासर हैं वो डाले नहीं, तो आपको क्या बनेगा, कैसे डिश बनेगी, आपको कैसे रिलीफ दी जा सकती है। वकालत का अगर आप मेरे से पूछें तो वकालत की अगर कोई डेफिनेशन है या वकालत क्या है या वकालत का मकसद क्या है, तो पहले आप में से कोई बता दें कि वकालत क्या होती है। व्हाट्स द हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एनी पर्टिकुलर केस, किसी केस के अंदर वकालत, आई मीन एडवोकेसी खास तौर पे क्या चीज़ होती है। एट इट्स वेरी बेसिक लेवल मेरे से अगर आप पूछें, आपको अच्छा लगे ना लगे, कोई कहेगा वकील है, कोई कहेगा क्लाइंट है, मेरे नज़दीक जज है। क्योंकि वकालत का मकसद ही, और रिट पिटीशन का और कॉन्स्टिट्यूशन का और सारी रेमेडीज़ का मकसद ही है कि ये बंदा जो कि फैसला कर सकता है उससे आपने फैसला करवाना है अपने फेवर में और दूसरे बंदे के खिलाफ। उसके लिए बहुत लाजमी है कि आपको पता हो कि सही जगह के ऊपर आप सही जज के पास जा रहे हैं। पिटीशन के अंदर वो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर आपको रिलीफ मिलेगा, और फिर बहस वगैरह और जजमेंट्स की बेसिस के ऊपर आपने उससे अपने फेवर में ऑर्डर लेना है। सो आज की जो एक्सरसाइज है, और मैं ब्रीफली आई मीन बात करने के ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेशुमार अनासर हैं, बेशुमार चीज़ें, मैं फंडामेंटल राइट्स भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी कर सकता हूँ, लेकिन समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आपका अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है तो सबसे ज़्यादा हाईकोर्ट के लेवल के ऊपर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 199 है। आर्टिकल 199 अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप ले आइए, मैंने आगे आगे लगाया हुआ है, देख लें। तमाम दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास मोबाइल्स हैं, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रहा तो आर्टिकल 199 निकाल लें। आज आर्टिकल 199 का हम इंजर पिंजर अलहदा करके बात करेंगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको क्या बता रहा है, आपकी प्लेंट के अंदर क्या चीज़ें लिखी होनी लाजमी है। उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि भाई प्लेंट में ये चीज़ें लिखो, मगर कानून को पढ़ते कैसे हैं वो आपको ये भी बता रहा है कि आपने ना सिर्फ पिटीशन कैसे बनानी है, बल्कि एक तरीके से आपको ये भी बता रहा है कि आपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी क्या ऑब्जेक्शंस लेनी है और मुकदमा खारिज भी कैसे करवाना है। 199 आ गया यहाँ पे सामने, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 199 के अंदर शुरू में लिखा हुआ है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाईकोर्ट, ऑफ हाईकोर्ट लिखा हुआ 199(1) ये कहता है इब्तदा के अंदर, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि दोस्त बेशुमार जाकर ये वहाँ पे जिद करते हैं कि सर देखें रिट पिटीशन है, हमारा बीच में हक है, जज आपको, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्टिकल 212, आर्टिकल 199 सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये चीज़ ताबे है। अगर आपने प्रैक्टिकली वकालत को अप्रोच करना है तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि 199 और आर्टिकल्स के ताबे है। इलेक्शन पिटीशन का अगर मामला है, सर्विस का मामला है आर्टिकल 212 का, तो वो ओवरराइड करेगा इसको। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई, जब आपने अपनी पिटीशन ड्राफ्ट करनी है तो आपने उसके अंदर ये देखना है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार तो नहीं। ये चीज़ आपको इसलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बार है तो जजमेंट्स आपने रिसर्च करके इस तरीके से अपना मुकदमा बनाना है। 212 के अंदर चंद एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रमोशन का अगर आपका केस है तो कोर्ट ये कह के खारिज कर देता है, जाएं सर्विस ट्राइब्यूनल में, जाएं आर्टिकल 212 है। मगर अगर आपको प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा तो फिर आपकी रिट हो सकती है। आप कोर्ट को कह सकते हैं कि जी हाँ करें या ना करें, लेकिन मेरे हक में डिसाइड करें, मेरे अगेंस्ट करें, लेकिन पिटीशन बन सकती।
ये जजमेंट अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 212 कहाँ पर रोक जाता है। तो समझाने की मैं आप तमाम दोस्तों को ये कर रहा हूँ कि जब आप रिट ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो उसके अंदर आप उसको इस तरीके से भी ड्राफ्ट करेंगे कि जी देखेंगे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो दूसरी प्रोविजंस हैं उनमें से तो कोई वायलेट नहीं हो रहा। इलेक्शन के मैटर्स और सर्विस के मैटर्स इसके अंदर ख़ास तौर पर आते हैं। अगला जुमला देख लीजिए, अ हाई कोर्ट का क्या मतलब? मैं फिर कह रहा हूँ इंजर पिंजर अलहदा करें। क्या ये पावर रिट की सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, सिविल कोर्ट के पास मौजूद है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास मौजूद है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत अब हम कर सकते हैं क्योंकि 180 सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नौइयत की पार्ट पावर्स उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन 199 का अ हाई कोर्ट लिखा हुआ है, हाई कोर्ट कर सकता है। दूसरा सवाल ये आता है केड़ा हाई कोर्ट, कौन सी जगह के ऊपर? आपने ये जो अपनी पिटिशन आप बीच में ड्राफ्ट कर रहे हैं अ हाई कोर्ट लिखा हुआ, तो इसका क्या, इसका ये मतलब है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कर लिया तो सिंध हाई कोर्ट नहीं कर सकता? इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह कई केसेस के अंदर आपको नजर आते हैं। हाई कोर्ट का क्या मतलब है? लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के मुल्तान बेंच, वहाँ पे कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये चीज़ भी लिखी जाएगी। तो ये चीज़ पढ़ने से आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता चल गई आपके पिटिशन का टाइटल सबसे ऊपर क्या आप लिखेंगे। ये भी सवाल का जवाब देना है ना कि जी आप कौन से हाई कोर्ट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और ये भी आपको आंसर आपके जहन के अंदर आ गया कि आपने उसमें ये भी देखना होगा ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि नहीं। अ हाई कोर्ट में एक्सरसाइज जो पे आगे जाके आप पढ़ेंगे जिसके इलाके के अंदर वो एक्सरसाइज हो रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आप जब रिट आंखें बंद करके नहीं करेंगे, कई दफ़ा दोष जमा करवा देते हैं, हम कहते हैं जी आपका इम्प्यून ऑर्डर इस्लामाबाद में इशू है, या आपको कह देते हैं जी सिंध का आपका ऑर्डर है हम वहाँ पर कहाँ पर करें, या वो आपको कह देते हैं बहावलपुर बेंच के अंदर आप यहाँ पर जमा करवाएंगे तो वो कहेंगे कि जी रेलेवेंट बेंच के ऊपर जाओ, मुल्तान के अंदर जमा करवाओ। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर ये है, ये आपको आर्टिकल ये भी बता रहा है अ हाई कोर्ट, आपने ये भी सिलेक्ट करना है कि कौन से हाई कोर्ट के अंदर आपने टाइटल में क्या लिखना है, राइट। ये चीज़ आपको ये भी बता रही है कि रिटन स्टेटमेंट में या रिपोर्ट पैरावाइज कमेंट्स में आपने रिट अगर उड़ानी है तो कैसे उड़वानी है? आप कहेंगे ये वाला हाई कोर्ट तो कर ही नहीं सकता, इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनती है मुल्तान में, इम्प्यून्ड ऑर्डर पास हुआ है यहाँ पे, अ हाई कोर्ट वगैरह ये नहीं कर सकता, ये अगर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने वो तो यहाँ पे नहीं होगा वगैरह। बट आपको बताना ये चाह रहा हूँ वकील का और आपके साथ ये एक्सरसाइज इंजर पिंजर इसलिए अलहदा कर रहा हूँ कि यही चीज़ आपने खुद अपने करियर में करनी है। ये चीज़ें आपको बनी बनाई, एक तो तरीका है कि लॉ ऑफ रीडिंग्स की किताब पकड़ ली, बनी बनाई प्रिंट मिल गई, उसकी नकल उतार के जमा करवा दिया, फिर वहाँ पे कोई ना कोई गलती रह जाती है, फिर मुकदमे इन चीज़ों पे आप हार जाते हैं। मगर अगर कानून को आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि इसके एलिमेंट्स आप समझने और पढ़ने शुरू कर देंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होने लगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट अगला वर्ड है मे, राइट, शल नहीं लिखा हुआ आपके सामने नजर आ रहा है सारे दोस्तों को, लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, ठीक है। मे का क्या मतलब है कि क्या कोर्ट पाबंद है कि नहीं? इट इज अ डिस्क्रेशनरी पावर, इसके अंदर कोर्ट ने इस मे के ऊपर 1500 जजमेंट्स दे दी हुई हैं, अनक्लीन हैंड्स। अगर आपने कोई छुपाया हो, कोर्ट ये भी कह कोई चीज़ छुपाई हुई कि पहले एक पिटिशन की हुई थी, या कोई नीचे से कहीं से हारे हुए थे, या कोई और आप खुद बीच में कोई गैर कानूनी चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, तो मैं यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि दिस इज़ नॉट एज ऑफ राइट, ये आपका हक नहीं है, कोर्ट आपका कॉन्डक्ट भी देखेगा। इसलिए मैं से आप ये भी अगर आप सामने से दूसरी तरफ से जवाब दे रहे हैं, आप ये कह सकते हैं हाँ जी इसका केस मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर इनका केस बनता भी है फिर भी रिलीफ नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस बंदे ने इस तरीके से प्रोसेस ऑफ कोर्ट को अब्यूज़ किया हुआ है। सो मे का वर्ड वो है जिसके ऊपर आप खेलेंगे और आप कहेंगे कि ये रेमेडी डिस्क्रेशनरी है और इसलिए नहीं ये बीच में हासिल की जा सकती, नहीं दी जा, अगर केस बनता भी है तो नहीं देना चाहिए। एक कंडीशन अगली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आगे आती है वो लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ सैटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड बाय लॉ,
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि आप प्रेयर क्लॉज से पहले अमूमन यही लिखते हैं दैट देर इज़ नो अदर एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल टू द पटिशनर एंड हेंस दिस पटिशन इज बीइंग फाइल्ड। व्हाई नहीं लिखोगे तो कोर्ट कह सकता है कि जी आपने प्रॉपरली बीच में इसमें प्लीड नहीं किया। आपको ये लिख के अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि रिविजन अपील और ये दूसरी रेमेडीज अवेलेबल नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और क्या मुझे कोई दोस्त बता सकता है कि अगर अपील का राइट मौजूद है तो रिट कॉम्पिटेंट हर केस के अंदर नहीं होगी? इसके अंदर लिखा हुआ है इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी, कोर्ट कैन टर्न अराउंड से कि अपील इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। और कई केसेस के अंदर कोर्ट ने किया, जहाँ पे अपील, लोगों ने अपीलें भी जमा करवाई हैं, वहाँ पे भी मुख्तलिफ चंद केसेस के अंदर शो कॉज नोटिसेस वगैरह के अंदर जहाँ पे उस बंदे के पास पावर ही नहीं थी शो कॉज नोटिस इशू करने का, कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि ना सिर्फ एडिक्वेट रेमेडी नहीं होनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर लें आपको नौकरी से निकाल दिया, कानून में तो नहीं लिखा हुआ, आप जाके कहते हैं कि जी आप गवर्नर पाकिस्तान या आप जैसे होता है इमरान खान साहब को उनके पोर्टल के ऊपर खत लिख देते हैं कि जी मुझे ये करें, एक रेमेडी तो आपने अवेल कर ली, ठीक है, नहीं ऑफकोर्स यू हैव अवेल्ड रेमेडी। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल के अंदर लिख दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको एक रेमेडी अवेलेबल की है तो क्या आपकी रिट कॉम्पिटेंट रहेगी? कोई दोस्त बता सकता है? इम्पॉर्टेंट नुकता इसमें नोट करने वाला ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज प्रोवाइडेड बाय लॉ, ठीक है, स्टैट्यूट में चूंकि नहीं जरूरी नहीं है स्टैट्यूट, इट कैन ऑल्सो बी रूल्स, इट कैन ऑल्सो बी रेगुलेशंस, इट कैन ऑल्सो बी, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ खेलने का ये भी होता है कई केसेस में कि कानून के अंदर नहीं है जी। कई केसेस में हमने ऐसे किए कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल या कई और जगह पे लिखा हुआ है, गवर्नर को हमने लिखा हुआ, हमने कंप्लेंट वगैरह की हुई, बट वी विल से कि इट्स नॉट अ रेमेडी दैट वाज प्रोवाइडेड बाय लॉ। हाँ हमने 15 बंदों को चीखे, हमने जुल्म हमारे पे हो रहा था, 15 बंदों को खत लिखा है, तो दूसरी पार्टी आके खत नहीं दिखा सकती कि देखें जी प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ तो उसने रेमेडी अवेल कर ली, इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय लॉ। सो ये चीज़ें मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो टुकड़े हैं आप इनके ऊपर खेलेंगे, और अगर लॉ ने प्रोवाइड भी किया हो यू कैन स्टिल ट्राई एंड सेटिस्फाई द जज के ये रेमेडी एडिक्वेट नहीं है। हाँ जी आप जाके फलान चीज़ को सिविल कोर्ट में भी बात हो रही थी, सिविल कोर्ट के अंदर आप चैलेंज कर लें, कितने साल लगेंगे, 10 साल, 5 साल, 7 साल, तो एडिक्वेट रेमेडी तो नहीं हुई ना। तो इसी पे खेलते हुए हम मामला उठा के हाई कोर्ट में ले आते हैं कि जी वो ट्रक की बत्ती अगर आपने हमें वहाँ पे भेज दिया, धकेल दिया सिविल कोर्ट के अंदर, तो नहीं होगा। कई केसेस ऐसे मौजूद हैं जहाँ के ऊपर रिट के अंदर वो इंटरफेयर करते हैं। तो आपको इन एलिमेंट्स से सारों से मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरू में ही आपको ये एक ही जुमला, आधा जुमला है, राइट, इसके ऊपर आधी किताब लिखी जा सकती है और लिखी जा सकती है, और आपने अपने जेन को खोल के इसको इस तरह पढ़ना है। और ये जो सवालात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सवाल आप अगर ये भी कानूनी पढ़ रिट नहीं पढ़ रहे, आप कोई और कानून पढ़ रहे हैं, बैंकिंग का कानून पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसको भी इंजर पिंजर अलहदा करके दो। हाँ यार कस्टमर का क्या मतलब है, बैंकिंग का क्या मतलब है, फाइनेंस का एलिमेंट होना चाहिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रिट वगैरह के अंदर लैंग्वेज वो आप इस्तेमाल करें अपनी मर्जी वगैरह की ना करें, जो पिटिशन जो आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जादुई अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं वही आपकी ज़ुबान होनी चाहिए जो आप रिट में लिखें। नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज़ अवेलेबल, सारी की सारे अल्फाज आपने कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी प्लीडिंग में और ड्राफ्टिंग में भी लेने, आगे चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब लिखा हुआ है एक बड़ा मसला है यहाँ पे जो इसके अंदर आप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन अग्रीव का पार्टी, यहाँ पे तो एप्लीकेशन लिखा हुआ है लेकिन हम तो रिट पिटिशन करते हैं। इसकी हिस्टोरिकल वजह है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, आप लिख लेंगे एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 199, जज साहब आपको कहेंगे कि यार ये क्या कर रहे हो, रिट पिटिशन कर रहे हो, आप अपनी रिट पिटिशन जो लिखते भी हैं तो उसके ऊपर WP नंबर सच एंड सच लिखते हैं, रिट पिटिशन नंबर ऊपर आपका क्या पता चल रहा है कि इन द लाहौर हाईकोर्ट लाहौर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, अब अगला क्या है WP नंबर, क्योंकि एप्लीकेशन के फॉर्म में आप नंबर वगैरह करेंगे। ये चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती हैं, इसके ऊपर मेरी चंद रिकॉर्डेड वीडियोस और स्लाइड्स भी मौजूद हैं, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स देखिए,
उसके अंदर ये सारी चीज़ें और आपके जो प्रेसिडेंट्स हैं, ये इसका हिस्टोरिकल रीज़न है कि WP लिखा जाता है, AP नंबर क्यों नहीं लिखा जाता है, एप्लीकेशन नंबर या इसके अंदर आगे लिखा हुआ है ऑफ एनी अग्रीव्ड पार्टी। क्या मतलब? ए पहला नुकता तो इधर, एक सेकंड रुक जाए, सुओ मोटो नहीं है, किसी ना किसी को आना पड़ेगा रेट के अंदर। तो ये वाला के केस लॉ, और इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू होती रहती है कि क्या हाईकोर्ट के पास सुओ मोटो पावर है। हाईकोर्ट के पास सुओ मोटो पावर रेट की नौयत के अंदर नहीं है, वो नहीं कर सकते। हाँ, कई दफ़ा रेट के अंदर काफ़ी इसका स्कोप एक्सपैंड कर लेते हैं, लेकिन पटिशन किसी ना किसी की आई होती है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी पटिशन होना लाजमी है। वैसे आप करके कई दफ़ा तो खत चीफ जस्टिस को लिखा जाता है, उसको रेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, बट समथिंग हैज़ टू बी देयर ऑन राइटिंग। एप्लीकेशन का प्रॉपर फॉर्म हो ना हो, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ एनी, सारी अग्रीव्ड पार्टीज का आने की ज़रूरत नहीं है, एक बंदा भी काफ़ी है। पटिशन जब आप जमा करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जाके पटिशन जमा करवाते हैं कि 75 बंदों को निकाल दिया है नौकरी से, तो एक भी रेट पटिशन कर सकता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 5-10 साफ पट करूँ, क्लाइंट्स भी ज़्यादा आ जाते हैं, फीस भी मिल जाती है अच्छी। लेकिन एक टैक्टिकल वजह भी है, सिर्फ एक की तरफ पटिशन की तरफ से पटिशन करने से अगर 75 निकले, 74 ने नहीं चैलेंज किया, तो जज कह सकता है कि भाई देर इज़ नो सिग्निफिकेंट इसके अंदर करने के लिए। तो जज को सीरियसनेस या कि लोगों के हकूक अफेक्ट हो रहे हैं, तो फॉर टैक्टिकल रीजन समटाइम्स यू हैव 5-10 बंदे, ज़्यादा बंदे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल वो जो उन्होंने बंदे रिस्टोर किया, कोर्ट रूम खच भरा हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट को अर्जेंसी दिखाई, तो दीज कंसिडरेशंस मे और मे नॉट, बट होता है इस तरीके से। आप दिखाएंगे तो सीरियसनेस आपकी सामने नज़र आती है। तो ये चीज़ भी प्रैक्टिकल आपसे बात कर रहा हूँ, करने को तो आप एक बंदे की पिटीशन एक्सेप्ट होके भी कानून और सारी चीज़ें सेट असाइड हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी हटाया जा सकता है, एक बंदे ने एप्लीकेशन दे दी कि जी ये ड्यूली क्वालिफाइड नहीं है। मगर अगर ज़्यादा बंदे देंगे तो ज़्यादा सीरियसली इसको टेकअप किया जाएगा। तो ये टैक्टिकल रीज़न है। ये सवाल आपको अपने बारे में, अपने जहन में पूछना होगा। कानूनन तो आप एनी भी कर सकते हैं, एनी पार्टी कर सकता है कि राह चलते हुए जी मुझे नहीं पसंद ये जो चीज़ फलां हो रही है गलत वगैरह, इस बंदे के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसको पकड़ के मैं रिट कर देता हूँ। तो क्या मेरी रिट मेंटेनेबल होगी अगर मैं ये कहूँ कि जी फॉर एग्जांपल फलां बंदे को गलत नौकरी से निकाला गया? वाई जुलम हुआ, इसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, क्यों? सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ अग्रीव, यू नीड टू बी एन अफेक्टेड पार्टी। आपका आप अपने जाती एबिलिटी के अंदर, और इसको आप आगे जाके देखेंगे अग्रीव पार्टी, और जब आगे जाके आप करते हैं 199B, अगर आप देखें 1B, तो वहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन, राइट? अग्री, ये जो 1 और 2 के अंदर जो रेड पिटिशन है, ये जो आपको रिलीफ मिली हुई है, उसको गौर से पढ़ने की और गौर से देखने की ये बीच में बात है कि आप अफेक्टेड, आपका अफेक्टेड होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको ये भी बता रही है कि जब आप अपनी प्लेन ड्राफ्ट कर रहे होंगे, तो पहले या दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे हु इज़ द पिटिशनर, Why is he here? The petitioner is aggrieved by an order dated such and such wherein he has been removed from service. Service तो नहीं है, मैं बार बार उधर जा रहा हूँ, वहाँ पर 212 भी आ सकता है, बट जो भी आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ है, जिस ऑर्डर को आप चैलेंज करना चाहते हैं, आपका उसके साथ नेक्सेस या ताल्लुक दिखाना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको साथ ये भी बीच में बता रही है कि रिटन स्टेटमेंट रिपोर्ट पैरावाइज कॉमेंट्स में कहेंगे इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है जी, ये कैसे अफेक्टेड है? फिर से मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ को, हर गेम को शतरंज के अंदर आप सिर्फ सफ़ेद पे आधे नहीं हमेशा खेलते रहते, कई दफ़ा काली की तरफ से भी खेलना पड़ जाता है। और अच्छा वकील वही है जो दोनों साइडों से देखेगा, एक साइड इधर से भी ट्राई करेगा, इधर से भी ट्राई करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो इस मामले के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं कि आप इसको गौर से देखें। और लिखा हुआ है एन अग्रीव्ड पार्टी, अब यहाँ पर भी ये भी सवाल आता है
कि क्या पार्टी का मतलब है कि वो नीचे वाली प्रोसीडिंग्स के अंदर उसका अमल दखल रहा हो, यानी फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी के बारे में और कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं, प्रॉपर्टी के बारे में एक डिग्री वगैरह पास हो गई, आप पर घर आपका है, या तो आप 12 दो में नीचे जाएंगे, या फिर अगर आप ऊपर रेट वगैरह के अंदर जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल एलडीए ने उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी एक बंदे से कि अगेंस्ट आपके किराएदार वगैरह, और उसको वहाँ पर नीचे जाके उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर कर दिया, अब आपके पास रेट की रेमेडी है, आप उसको उस ऑर्डर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो आप तो पार्टी नीचे थे ही नहीं। तो यहाँ पे भी ये भी अवाम आ सकता है, ये ऑब्जेक्शन भी बीच में आ सकती है कि डिड यू नीड टू बी ए पार्टी नीचे लेवल के ऊपर। वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है HM साया की जजमेंट, उसमें ये लिखा गया है कि कोई बंदा भी अगर अग्रीव्ड हो किसी ऑर्डर से, पार्टी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही कैन गो अहेड एंड चैलेंज दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। तो वंस अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, केस बाय केस वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी आपके पोजेशन के अंदर आपका अग्रीमेंट टू सेल हुआ है कि आपका हक होगा, या एक 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 पर्टिकुलर ऑर्डर जो कि आपके प्रीडेसेसर के फेवर के अंदर हुआ है के खिलाफ हो गया, आर यू एन अग्रीव पार्टी, आप उन प्रोसीडिंग्स में नहीं थे, बाद में तो आपने उससे प्रॉपर्टी दूसरे हाथ खरीद ली हुई है, तो क्या आपकी रेट कॉम्पिटेंट होगी कि नहीं। अगर एक वैक्यू प्रॉपर्टी के अंदर होल्ड कर दिया जाता है कि जी 5 हाथ पहले जो बंदा था उसके कागजात गलत थे, तो वंस अगेन वहाँ पे आपको अग्रीड पार्टी HM साया की जजमेंट के ऊपर, और इवन अदरवाइज यू विल गो अहेड एंड फाइल। अब मेक एन ऑर्डर, कोर्ट किस किस नौयत के ऑर्डर कर सकता है, अब ये फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक आपको मैंने क्या क्या बताया कि पटिशन के अंदर आपने एक पैराग्राफ में ऊपर टाइटल डालना है, रेट पटिशन नंबर डालना है, पार्टीज़ के नाम डालने हैं, वर्सेस सच एंड सच वर्सेस, एक टाइटल भी आ जाएगा पटिशन अंडर आर्टिकल 199 अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड सच एंड सच रिस्पेक्टफुली शोएथ, पहला पैराग्राफ हो जाएगा। अगर आपने ब्रीफली लिखना है कि इस ऑर्डर के एक दो जुमलों के अंदर मुकदमा लिख दीजिए, मुकदमे की डिटेल लिख दे, नहीं तो पहला होगा कि जी पते मैंने सही ऊपर लिखे हुए, दूसरे में आप लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं, तीसरे में आप ये लिखेंगे कि बल्कि दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे कि मैं पटिशनर हूँ, क्यों मैं अग्रीव्ड हूँ, क्यों, एक अनसर एक एलिमेंट आपने इसके अंदर बीच में डाल दिया। दूसरा आप आगे जाके अब करेंगे मसला सर भी पड़ा, सवा 3 बजे जज साहब 3:30 बजे एक सिविल कोर्ट के अंदर भी बहस करनी है आखिरी मौके के ऊपर, आई बी अ लिटिल बिट क्विक अबाउट दिस नाउ जी। दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्डेंट का आपने लिखना है कौन है अपनी रेट पिटिशन में, वो आपको कैसे पता चलता है, और क्या रिस्पॉन्डेंट के बारे में लिखना है, कौन कौन बंदा रिस्पॉन्डेंट हो सकता है, किसके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकते हैं, HSN कॉलेज के खिलाफ रेट पिटिशन हो सकती है, या लम्स के खिलाफ रेट पिटिशन हो सकती है, या मेरे खिलाफ रेट पिटिशन हो सकती है, मोहम्मद अहमद के होंगे, सॉरी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट, बिकॉज रिट पिटिशन किसके अगेंस्ट होती है, मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, एक तो वो इस इलाके के अंदर काम कर रहा होना चाहिए पंजाब के अंदर, और फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन अ प्रोविंस और एन अथॉरिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस, एक सेकेंड रोक जाए, इसको कहते हैं और लोकल अथॉरिटी, मोहम्मद अहमद की यूम अगर नाजिम है तो फिर हो सकती, मेरी ज़ाती कैपेसिटी में मेरे अगेंस्ट नहीं हो सकती। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप इसके अंदर लिखेंगे कि मिस्टर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 जिसका मैंने ऑर्डर चैलेंज किया हुआ है इस परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन अंडर सिंस ही इज एक्टिंग अंडर द लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट सच एंड सच, राइट। फिर कह रहा हूँ उनसर डालने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं लिखोगे नहीं प्लीट करोगे वो कहेंगे कि जी प्राइवेट पार्टी है, या मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है, दिस इज़ टेलिंग यू ये। और अगर आप LDA की तरफ से आप पेश हो जाएंगे और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल LDA की तरफ मुकदमा ये जब रिट पिटिशन ये जमा करवाई हुई है कि जी मैं LDA की फलां प्रॉपर्टी के अंदर किराएदार हूँ, ये मुझे ये मुझे वहाँ से इवेक्ट कर रहे हैं, इवेक्ट ना करें, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि आर दे परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन ये प्रोविंस वगैरह के लिए, कि वो बतौर किराएदार लैंडलॉर्ड का ये मामला है उसके अंदर
दिया जा सकता है, किंतु ये ऑब्जेक्शन पैरावाइज कॉमेंट्स में आगे से सामने दूसरी साइड से आ सकती है। आगे इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्म, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पैराग्राफ लिखना ज़रूरी है। आप उसके अंदर प्रैक्टिकली ये लिखेंगे कि जी ये काम कर रहा है इसलिए इसके खिलाफ रेड पावर पास हो सकती है। साथ आप ये भी लिख देंगे कि पंजाब के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा है जो जिसका इस्लामाबाद के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, तो अनलेस एंड अनटिल यू राइट डाउन कि वो पंजाब के अंदर भी परफॉर्म कर रहा है या उसकी ब्रांच यहाँ पे फलां बंदे की ब्रांच यहाँ पे भी है या ऑर्डर मुझे यहाँ पे मिला है, तो रेट कैसे उसको इशू हो सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कराची का मामला है सारे का सारा या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का मामला है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी यहाँ पर लिखना है within the territorial jurisdiction of the court he has to। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि हेड ऑफिस पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर है तो क्या हो सकता है उनका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, तो क्या इस्लामाबाद में मुकदमा होगा कि यहाँ पे होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, इसकी जजमेंट है जैसे साकिब निसार साहब की, उसके अंदर उन्होंने ये होल्ड किया हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि पूरे पाकिस्तान में कर रहा है और उसका शो कॉज नोटिस या नोटिस जहाँ पे रिसीव होंगे वहाँ पे भी रिट पिटीशन हो सकती है। सो कंपटीशन कमीशन इज़ परफॉर्मिंग फंक्शंस विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पंजाब एज वेल। तो ये आ गया, तो आगे लिखा हुआ है फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन प्रोविंस और अ लोकल अथॉरिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ही इज नॉट परमिटेड बाई लॉ टू डू और टू डू एनीथिंग दैट ही इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू डू। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसके बाद करके आई थिंक वी प्रॉब्ली नीड टू रैप अप। लिखा हुआ है टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ही इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू डू। लॉ का क्या मतलब, कोई दोस्त बता सकता है? लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लॉ का मतलब स्टैट्यूट भी है, लॉ का मतलब रूल्स भी है, लॉ का मतलब रेगुलेशन भी है। जब आप रिट पिटीशन करते हैं निरा ये ना लिख दें कि आर्टिकल 24 या 4 की वायलेशन है, मेरे साथ बड़ा ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू से कि दिस मैन अंडर सच एंड सच लॉ सच एंड सच सेक्शन वॉज रिक्वायर्ड टू नॉट डू दिस या वॉज रिक्वायर्ड टू डू दिस, और ये नहीं कर रहा तो इसको करने के लिए कहा जाए या अगर कर रहा है तो नहीं रोका जाए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप तमाम दोस्तों को प्रैक्टिकल अप्रोच से ये बताना चाह रहा हूँ, जब रिट पिटीशन करें तो आर्टिकल 425 वगैरह वैसे ही ना कह डालें, यू हैव टू स्पेल इट आउट। कोर्ट आपसे ये पूछेगा भाई किस चीज़ के अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता, कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये चीज़ उसको करनी चाहिए। तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट ऑल ऑफ योर वेरियस आर्टिकल्स एज वेल। ये मैंने फिर कहा कि आपके फंडामेंटल राइट्स में आपको चीज़ें मिलेंगी, सेक्शंस ऑफ लॉ में मिलेंगे कि जी इसको ये बार किया हुआ है, ये सेक्शन के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ था, ही हैज़ गॉन हैड एंड वायलेटेड दिस एंड देयरफॉर, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट एज वेल। और दूसरा ये तो आपको वो जो स्पेल आउट करना बहुत लाजमी है। रिट पिटीशन के अंदर बेशुमार यंगस्टर्स की पिटीशनें मुझे इस नुक्ते के ऊपर खारिज होते हुए नज़र आ रही होती है, और मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ, अपने एसोसिएट्स, यार सेक्शन बताओ कौन सा सब सेक्शन है, कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल दोस्त आके ये आर्ग्यू करते हैं कि जी फलां बंदा नहीं कर सकता, इसकी ज्यूरिसडिक्शन फलां बंदे के पास है, सेक्शन कोट करो। Until and unless you spell out के फलां अंडर फलां सेक्शन इट इज़, तो ये आपको ये चीज़ भी बता रहा है कि कानून को नॉर्मली आपने नहीं लिखने होते, कानून आपने जजमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखनी, लेकिन ये कम से कम लिखना है कि ही इज़ वायलेटिंग दैट लॉ। अगर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपकी रिपिटेशन नहीं बनती। और यह लिखा हुआ है कि ये इस कानून के तहत इसने ये चीज़ करनी और वो नहीं करा तो इस तरह करें। प्रेयर क्लॉज के अंदर आप क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है इसके अंदर किस तरीके से? एक गलती मैं तमाम दोस्तों से, आप अमूमन तो मैं दोस्तों को ये कहता हूँ कि पटिशन अगर ड्राफ्ट करें तो सबसे पहले ड्राफ्ट करो प्रेयर क्लॉज, कहानी डालने की नहीं ज़रूरत। सबसे पहले आपने ये लिखना है, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि आप मांग क्या रहे हैं, लिखेंगे आप बिल्कुल एंड के अंदर। मगर जब व्हेन यू आर क्लियर इन योर हेड कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिलीफ दैट यू आर आस्किंग, आपकी पटिशन भी उसी लाइन के साथ ड्राफ्ट होगी। बेशुमार लड़कों को मैंने ये देखा है और बेशुमार दोस्तों को ये देखा है कि वो कहानी डालनी शुरू कर देते हैं, एक दफ़ा का जिक्र है, फैक्ट्स वगैरह इधर से शुरू करके सारे का सारा। नो,
और एंड तक नहीं पता होता। जब प्रेयर क्लॉज के अंदर भी मैं चैलेंज किस चीज़ को कर रहा हूँ कि फलां चीज़ को वॉइड डिक्लेयर कर दो, फलां चीज़ को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दो, और फलां चीज़ को इस तरीके से कर दो, या उसको डायरेक्ट दें कि जी इस तरीके से उसने उसको काम करना चाहिए और इस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखती हैं। फिर मैं आप तमाम दोस्तों को ये कहूँगा कि अगर आप क्लॉज 199 आर्टिकल 199 देखें तो इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अपने प्रेयर क्लॉज में इस्तेमाल करें, राइट। कि यानी कि आप लिखेंगे कि रिस्पॉन्डेंट नंबर वन में काइंडली बी डायरेक्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एक्स वाई जेड विच ही इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू। डिक्लेरेशन भी कहेंगे आप मांग सकते हैं, बट उससे ज़्यादा वो जो डिक्लेरेशन अगर आप आगे जाके देखेंगे कि विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है कि नहीं वो, बट आप यहाँ पे रिफ्रेन करने का भी आप लिख सकते हैं। डोंट यूज़ योर ओन कि इंजंक्शन उनके खिलाफ पास हो जाए, नो। जो अल्फाज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए ये जादुई अल्फाज हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करें बिकॉज इनके स्पेसिफिक अल्फाज हैं। वो मैंने आगे जाके लिखा हुआ है अली बाबा और 40 चोर की कहानी के अंदर, वो अगर आप वो उसके सामने जाके कहते के वो ओपन अगर कह देते तो वो नहीं खुलता, खुल जा अगर कह देते नहीं, जब तक पूरा खुल जा सैमसम नहीं कहते तो वो फिर ही जाके खुलता था, राइट। अपने अल्फाज वगैरह ना इस्तेमाल करें, ज़्यादा गलती करने का रुझान होता है। बेशुमार प्रेयर्स में देखते हैं मे काइंडली बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, मे काइंडली बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस नो। वालिद साहब से मैंने अपनी यही वकालत में सीखा है, उन्होंने हमेशा काट के कहा, उन्होंने कहा यार तेरे अल्फाज की क्या वक़्त है। अगला वक़्त तो वो है जो फॉर एग्जाम्पल टू में लिखा हुआ है, हैज़ बिन डन और टेकन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड और ऑफ नो लीगल इफेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ड्राफ्टिंग के अंदर, मैं तमाम दोस्तों को यही कहूँगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी प्रेयर के अंदर यही लिखिए, टू द ऑर्डर डेटेड सच एंड सच मे काइंडली बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग बीन पास्ड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड बीइंग एंड दैट इट इज़ ऑफ नो लीगल इफेक्ट। सो फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो अल्फाज हैं ये सिर्फ रिटों का मैं आपको आज नहीं सिखा रहा, आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि अपने करियर में जब भी कोई सेक्शन देखें, सेक्शन 9 बैंकिंग का कानून देखें, जो मर्जी कानून देखें, उसको उसकी लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी लैंग्वेज को उठाएं और वो आपको सारे के सारे जो उसके टुकड़े हैं वो आपको ये बता रहे होंगे कि आपने आगे जाके इस प्लेंट के अंदर भी क्या लिखना है। यहाँ पर तो पटिशन होती है और रिटर्न सामने से खारिज करवाने के लिए भी आपने क्या क्या ऑब्जेक्शन लेनी है, इसका एक एक हिस्सा आपके लिए ऑब्जेक्शन पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके जहन में होनी चाहिए। यानी कि अगर आज चलेंगे आके आप देख लेते हैं एंड के अंदर क्विकली रिपोर्ट और पैरावाइज कमेंट्स अगर आप जमा करवा रहे हैं सामने से खारिज करवाने के लिए, आप कहें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहली ऑब्जेक्शन क्या बनती है, जी कॉन्स्टिट्यूशनल बार है हाई कोर्ट, ये वाला इस कोर्ट की तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती, असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनती है। इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड बाय लॉ, लॉ के अंदर एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल है, ये हमें फलां चीज़ के अंदर आके हमारे पास अपील कर सकता था, इसने नहीं किया, रिट में नहीं आ सकता। डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन विद इन द, और दूसरा कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन अग्रीव पार्टी, ये बंदा पार्टी नहीं और ये बंदा अग्रीव नहीं। ऑब्जेक्शन, अगली ऑब्जेक्शन, अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि हम तो इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते ही नहीं, या फिर वी आर नॉट परफॉर्मिंग फंक्शंस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, या ये भी आ सकती है आप कई केसेस के अंदर ऑब्जेक्शन कि हम तो पर्सन हैं ही नहीं। अगर आप आगे जाके आर्टिकल 199 पढ़ें तो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर हाई कोर्ट वगैरह फौज वगैरह काफ़ियों को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो यू कैन इवन टेक दैट ऑब्जेक्शन एज वेल। मैं आपको सिर्फ ये टुकड़े दिखा रहा हूँ कि इनको इस्तेमाल करके रिटें खारिज कैसे करवाते हैं। पहले मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि रिटें जीती कैसे जा सकती, क्या क्या चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं, अब मैं आपको साथ बता रहा हूँ कि रिटें खारिज कैसे करवाते हैं। और ख़ारिज करवाने के लिए आप देखें कितने आपके पास मौके हैं कि जी हाँ ठीक है, और ये जो इसकी जो है वगैरह में लिखा हुआ जनाब, उसका केस अगर बनता भी होगा तो आप इसने ये गलत काम किए हैं इसको आप खारिज करें, कोर्ट से ये चीज़ छुपाइए, इसको खारिज करें, अनक्लीन हैंड्स के साथ आए। फिर आगे जाके कि जी ये फेडरेशन, ये जो हम काम कर रहे हैं ये फेडरेशन से ताल्लुक़ नहीं रखता, प्रोविंस से ताल्लुक़ नहीं रखता, या लोकल अथॉरिटीज से ताल्लुक नहीं रखता। टू रिफ्रेन फॉर डूइंग नॉट परमिटेड बाय लॉ, लॉ हमें इजाज़त देता है
किस सेक्शन के अंदर ये है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हमारी डिस्क्रेशन में मौजूद है, हम रेगुलेटरी बॉडी हैं, हम SECP हैं, वी कैन डू वट एवर टू एक्चुअली रेगुलेट ये सारी की सारी अनलेस वी आर बार्ड बाई लॉ, राइट। इस तरीके से ये चीज़ें वगैरह आप इसमें ले सकते हैं। और इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि इन चीज़ों को आर्टिकल 199 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक गेटवे है, ये दरवाज़ा है अंदर घुसने का कोर्ट में, इसके थ्रू आपने जाना है। बाकी प्रोविजंस ऑफ लॉ सेकेंडरी हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरे करेंगे मेरिट्स, अगर नहीं पूरे करेंगे मेरिट्स के ऊपर बहुत अच्छा केस होगा, खारिज हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रोसीड इसके अंदर। आई विश आई हैड मोर टाइम अभी करने के लिए, बट अभी हेवियस कॉर्पस और दूसरी चीज़ें भी हैं। मैं आप अगर एंड में अगर आप आ जाएँ इसके ऊपर जो स्लाइड्स हैं सर, लास्ट वाली स्लाइड्स की तरफ अगर आप आ जाएँ, तो उसके अंदर एंड के अंदर आपको मैंने एक लिंक दिया हुआ जहाँ पर रिट पिटीशन और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल के अंदर 4 या 5 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड स्लाइड्स के साथ, किताबों की तस्वीरों के साथ कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, जजमेंट्स की साइटेशंस के साथ सारी की सारी मौजूद हैं। वीडियो आर्काइव सेकेंड लास्ट बीच में एंड के अंदर है, वो अगर आप एग्जामिन कर लें इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट की भी ज्यूरिसडिक्शन है, हम उसके बारे में भी बात कर सकते थे। आज के टॉपिक के ऊपर हम बेशुमार, आपको मैं 6 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, बिकॉज बात तो ये है। और ख़ास तौर पे एज आई एम सेइंग मेरी वकालत 60% है ही रिट पिटीशन और कॉन्स्टिट्यूशन से ताल्लुक रखने के लिए। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट को टच ही नहीं किया, अभी हमने फंडामेंटल राइट्स को टच ही नहीं किया, लेकिन आज का मेरा सिर्फ प्रिंसिपल मकसद ये था कि मैं आपको समझाऊँ कि पढ़ते कैसे हैं, प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं। इम्तिहान में पास होने के लिए तो आप तमाम दोस्तों ने पढ़ लिया होगा, आपने आर्टिकल 1 से शुरू किया होगा, लेकिन मेन चीज़ आपके लिए क्या है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है आर्टिकल 62 में क्या है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है, ये सारे का हमने तो मज़मून बतौर प्रैक्टिकल वकील नहीं लिखना। हाँ, अनलेस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कोई मुकदमा आए या आपने किसी MNA को डिस्क्वालीफाई करना है, आप आर्टिकल 62-63 पढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग आपको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली वकील हमेशा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा या कोई भी कानून देखेगा, आप देखोगे यार मैनू की फ़ायदा इन बिच। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस वगैरह आप देखेंगे तो आप कहेंगे मुकदमा कैसे होता है, मुकदमा किस तरीके से करना है, किधर जमा करवाना है, कितनी मालियत का होगा, प्लेंट में मैंने क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी। वकील, प्रैक्टिकल वकील जब भी कानून पढ़ेगा, बाकी चीज़ें आप पढ़ोगे उसके अंदर, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस बैंकिंग का जो मेन कानून है सेक्शन 9 सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सूट फाइल करने का उसमें लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या उन अनासिर होंगे तो बैंकिंग कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी, वो प्लीड करने मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप ऐसे ही अप्रोच करेंगे, नॉलेज तो आपको आपके पास हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच करने का, रोजी रोटी का, पटिशन जमा करवाने का, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स आप देखेंगे उसके अंदर रिट के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये सारे लेक्चर्स जो जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ उनके अंदर ये सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की भी कॉपियाँ हैं, सारा डिटेल में बात की हुई, एक्सप्लेन किया हुआ, वो भी आप मेहरबानी करके देख लीजिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज आई हैव टू रश टू सिविल कोर्ट। प्लीज़ सर, मेरा ख्याल था हाथ खड़ा कर रहे हैं सर, सर खुजा रहे थे। यार देखो, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ रिटों के लेक्चर के अंदर, और ये इस आर्टिकल 199 को समझने की क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि आर्टिकल 199 उठा के मैंने CPC अमेंडमेंट छुड़वा दी, कानून आपकी पावर देखो भाई, आप कानून बनाया हुआ, गवर्नर ने कानून पास किया, सारी जगह पे लागू हो रहा था, उड़वा दिया, एक पटिशन जमा करवाई, बहस की, अच्छी पटिशन ड्राफ्ट हुई थी, उड़ गया। प्राइम मिनिस्टर अगर क्वालिफाइड नहीं है ऑफ पाकिस्तान फॉर XYZ रीज़न, कन्विक्टेड खुदा ना खास्ता अगर हो गया हुआ, को वारंट भी रिट करें प्राइम मिनिस्टर फारे ऑर्डर। एक आपको मैं और बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े तोप मारने की, गोले चलाने वाली कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास मुकदमा आया कसूर के अंदर, तकरीबन मैं हर दफ़ा एग्ज़ाम्पल देखता हूँ, 120 बंदों को, मुख्तलिफ लोगों को 20-20 15-15 सालों से
89 डेज की वो कॉन्ट्रैक्ट दे के 89 डेज के कॉन्ट्रैक्ट दे के 10-10 साल के लिए उनको रखा हुआ था कि ये कहीं किसी तरीके से परमानेंट ना हो जाए और इनको हमें किसी तरीके से मरात वगैरह ना देने हो। एक रेट पिटिशन की, उन बंदों को रेगुलराइज किया, उन बंदों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई, उनके उनके बच्चों की नौकरियों का डाउन द लाइन जाके मौका बन गया। पावर आप कंसिडर करें इसकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके ऊपर अपना जहन लगाना, आप एक एक बंदा एक बम है जिसके साथ आप गवर्नमेंट हिला सकते हैं। और इसलिए है अगर आप इसको समझ लेंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी, और ये इसलिए ये हमारी वकालत का ताज इसलिए है कि हम अफसरशाही को जो कि पाकिस्तान में हुक्मरानी करते हैं उनको हम हिला के रख देते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई जवाब दो, और अगर जवाब सही नहीं होगा तो हाईकोर्ट को इस्तेमाल करके उनका स्ट्रांग से स्ट्रांग ऑर्डर उड़ा के वो मारते हैं, बना हुआ कानून पार्लियामेंट का हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अप्रिशिएट करने की और ये अपनी आप स्ट्रेंथ समझिए, ये सिर्फ निरा एक रिट पिटिशन ही पिटिशन कर दो, इसकी स्ट्रेंथ अगर आप प्रॉपरली इसको इस्तेमाल करेंगे कानून की, ये सिर्फ कानून की पावर आपके पास नहीं है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, और इसको अगर आप प्रॉपरली करके आप इसको प्लीड करेंगे तो आप पाकिस्तान की किसी चीज़ को भी हिला सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई यू नीड टू अप्रिशिएट आर्टिकल 199 की खूबसूरती, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी अजमत क्या है। और आप वकालत में हर चीज़ को आप ये देखें, आप रेमेडीज़ क्या हैं, कहाँ पे हैं, सेक्शन 9 सिविल कोड की भी यही है, और इसके अंदर ये सिविल कोड का स्टे भी अगर आप और प्रॉपर्ली अगर इम्प्लीमेंट हो वो भी गवर्नमेंट को रोक सकता है। गवर्नमेंट का हाथ रोकना बहुत बड़ा काम है और कानून की ताकत और इसके साथ ही होगा। तो तमाम दोस्तों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत ही ब्रीफली मुझे और बहुत जल्दी जल्दी के अंदर मुझे सुना। कोशिश ये करूँगा कि आप तमाम दोस्तों को बुलवा के पंजाब पार के अंदर घंटा दो घंटा डिटेल के अंदर भी किसी वक्त आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करें, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर टाइम की थोड़ी सी किल्लत की वजह से। बहुत शुक्रिया सर।